हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया होगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन 10 के बारे में। तो इस डिवाइस को 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लॉन्च हुए, और करंटली अभी भी लोग प्रेफर करते हैं इस डिवाइस को बाय करना। तो जब रिसेंट में मैंने XR और आईफोन 7 और SE 2 की मतलब कि सेकेंड हैंड रिव्यू वाली वीडियोज दी थी, तो उसमें काफ़ी बंदों की डिमांड थी कि भाई आईफोन 10 के बारे में बताओ, क्योंकि ये भी बिल्कुल आपको सेम प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन वगैरह है और जो मतलब कैमराज वगैरह हैं वो बेटर मिलते हैं आपको XR से। तो मैं आपको इसके पीछे कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा कितने रुपए में मेरे को ये मतलब कि मिला, और कैसी कंडीशन थी डिवाइस की, और क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए जब भी आप सेकंड हैंड डिवाइस बाय करने जाते हो। तो एक कंप्लीट रिव्यू होने वाला आईफोन 10 का कि आपको 2023 के अंदर आईफोन 10 में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो कर लेते स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी बिल्ड एंड डिजाइन की। तो जो आईफोन 10 सीरीज है ना, वो काफी बेटर देखने को मिलती है आपको 11 12 इनके कंपैरिजन में, क्योंकि जो 11 और 12 है उसका जो मतलब कि कंप्लीट एल्यूमिनियम बिल्ड आता है, बट आईफोन 10 के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील बिल्ड मिलता है। मतलब आपको वहां पर स्क्रैचेस वगैरह तो ऑब्वियसली जल्दी आएंगे एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, बट जो लुक निकल के आता है ना स्टेनलेस स्टील में, वो जो शाइनी फिनिश और एकदम मस्त सी फील आती है हाथ में पकड़ने में, वो डेफिनेटली आपको 11, 12 और इन सीरीज में देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, और जो स्पीकर वगैरह है वो आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, एक तो आपको नीचे मिल जाता है और दूसरा आपके जो हेडपीस है उसके अंदर देखने को मिलता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप सेकंड हैंड मार्केट में इसको बाय करने जाते हो ना, तो आपको है ना इसके बैक ग्लास को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा पुराना डिवाइस है और बैटरी हेल्थ को मतलब 100% दिखाने के चक्कर में कुछ बंदे इसकी बैटरी रिप्लेस करते हैं, और बैटरी अगर रिप्लेस होगी तो जो बैक वाला ग्लास है उसके अंदर आपको थोड़े बहुत ग्लू के रेजिड्यू देखने को मिल जाएंगे, या फिर वो बैक पैनल थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल जाएगा आपको। तो वो एक बार चेक कर लेना कि पीछे वाला जो ग्लास पैनल वो कभी क्रैक हुआ तो नहीं है। और ये मेरे वाले डिवाइस पे स्क्रैचेस नहीं है, ये पीछे से लेमिनेशन करवा रखी है, इस वजह से आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। और वहीं पीछे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और एप्पल का वो पुराना वाला लोगो मिलता है जो थोड़ा सा ऊपर करके आता था आईफोन 10 सीरीज तक। वैसे ओवरऑल जो डिजाइन है काफी बढ़िया है, और आईफोन 10 है वो थोड़ा कम्पैक्ट डिवाइस है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा फील नहीं होगा आपको हैंड में, आप इजिली होल्ड कर सकते हो इसको। तो ओवरऑल जो डिजाइन है ना वो काफी बढ़िया मिलता है। आप सेकंड हैंड बाय करने जाओ तो बस स्क्रैचेस वगैरह का ध्यान रखना कि आपको कैसी कंडीशन में डिवाइस मिल रहा है, और जो प्राइस है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कितनी प्राइस तक आपको ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो यहाँ पर फ्रंट में आपको 5.8 इंचेस की एक मतलब की सुपर रेटिना ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलती है। अभी जितने भी डिवाइसेज आ रहे करंटली 11 और 11 तक तो जिनमें था वो आईपीएस पैनल ही देखने को मिलता था, बट इस वाले के अंदर आपको सुपर रेटिना ओएलईडी पैनल मिलता है जो कि एचडीआर 10 सपोर्ट करता है। और साथ में यहाँ पर है ना 625 की निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। काफी बंदे बोलते हैं कि भाई पीक ब्राइटनेस बताया करो, तो आईफोन में इतनी ज्यादा पीक ब्राइटनेस नहीं आती, बट यहाँ पर 625 की आपको मिल जाती है जो नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में मतलब विजिबल होगी, बट हाँ अगर ज्यादा ही हार्श कंडीशन है तो मे भी थोड़ा कम दिखाई दे आपको। वहीं पर ऊपर आपको फेस आईडी देखने को मिल जाती है, और एक 7MP का कैमरा देखने को मिलता है जिसकी भी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आती है, मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। और फेस आईडी से रिलेटेड एक चीज और बता देता हूँ कि जब सेकंड हैंड बाय करने जाओ ना तो फेस आईडी डेफिनेटली एक बार चेक करके देखना। मेरे वाले कंडीशन में फेस आईडी प्रॉपरली वर्किंग थी। काफी बार क्या होता है जब स्क्रीन रिप्लेस करते हैं ना फ्रंट की, तो वो फेस आईडी पेयर नहीं हो पाती है, तो इस वजह से फेस आईडी आपको वर्किंग नहीं मिलेगी। और डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर नहीं है, अगर रिप्लेस भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके अंदर ट्रू टोन अगर वर्क कर रहा होगा तो वो कंप्लीटली बढ़िया तरीके से उन्होंने मतलब फिट करके दी है। जो पेयरिंग वगैरह डिस्प्ले की वो काफी अच्छे तरीके से है, तो आप ट्रू टोन डिस्प्ले में एक बार जाके चेक कर लेना कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। और साथ ही साथ बात कर लेता हूँ बैटरी की। तो यहाँ पर अगर मेरे डिवाइस की बैटरी आपको जाके दिखाऊं ना, बैटरी हेल्थ यहाँ पर मेरे डिवाइस में 100% देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स सी बात है यार, 4 साल पुराना डिवाइस है तो 100% तो कभी नहीं हो सकती, तो इसकी बैटरी है वो रिप्लेस्ड है। और ये कोई डिस्प्ले यूनिट नहीं था, ये यूज किया हुआ डिवाइस है, क्योंकि जो मैंने XR वगैरह लिए थे वो डिस्प्ले यूनिट थे, तो वहां पर बैटरी हेल्थ थोड़ी कम थी, बट डिवाइस बढ़िया कंडीशन में था। तो सिमिलरली ये डिवाइस भी बढ़िया कंडीशन में था, बट यहाँ पर इसकी बैटरी चेंज थी। वो शॉपकीपर ने मेरे को पहले भी बता दिया था कि भाई इसकी बैटरी है वो रिप्लेस्ड है, तो यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ 100% ही देखने को मिल रही थी। तो इतनी अगर ट्रांसपेरेंसी होगी ना शॉपकीपर और आपके बीच में कि भाई हाँ वो बता देता है आपको, काफी बंदे बोलते नहीं भाई इसकी चेंज नहीं है, तो आप नॉर्मल सी बात सोच के देखो, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल में कोई भी डिवाइस की 100% बैटरी हेल्थ तो होने वाली नहीं है, 90% से भी नीचे मिलेगी आपको, 85-84 इतनी मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि बैटरी रिप्लेस्ड हो सकती है। और इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2716 mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती, आपका जो 5W का नॉर्मल चार्जर है वही सपोर्ट करेगा आप। और अगर आप 5W से ज्यादा का चार्जर यूज करते हो जस्ट लाइक 20W वगैरह का, तो ये सिर्फ 5W की इनपुट लेगा। और बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया चल रहा है, अभी भी इतना ही स्मूथ चलता है जितना पहले चलता था। मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं मिलता दूसरे डिवाइसेस के कंपैरिजन में, जितने भी आईफोन के पुराने डिवाइसेस होते हैं, इसी वजह से लोग ज्यादा बाय करते हैं। और यहाँ पर आपको एप्पल की A11 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, जहां पर हाँ गेमिंग वगैरह आप नॉर्मल कर सकते हो, बट अगर आप ज्यादा गेमिंग करोगे तो डेफिनेटली डिवाइस हीट होगा, और हीटिंग इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ग्लास बैक और साथ में स्टेनलेस स्टील बॉडी है, तो आपको फील भी जल्दी हो जाएगी हीट। तो सिंपल सा ये है कि भाई गेमिंग वगैरह आप नॉर्मल कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, बिल्कुल हार्डकोर के लिए तो नहीं है, आपको फ्रेम
फ्रेम ड्रॉप्स भी डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे इस डिवाइस के अंदर। जैसे हीट करेगा फ्रेम ड्रॉप्स होने इजिली स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारा कैमरा सेक्शन, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और जिनको मैं रिव्यू करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। तो यहाँ पर है ना आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 12 MP की दो कैमराज है, मेन जो सेंसर है वो आपका 12 MP का है, साथ में 12 MP का एक 2x टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। जो मेन कैमरा है वो 28 mm का देखने को मिलता है और जो 2x टेलीफोटो लेंस है ना वो आपको 52 mm का देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से अगर जब पोर्ट्रेट वगैरह में आप फोटोज क्लिक करते हो ना तो ये 2x जूम करके फोटोज क्लिक करता है, तो इस वजह से आपकी जो शार्पनेस और जो एजेस वगैरह ना काफी बढ़िया तरीके से निकल के आती है, क्योंकि वो जो कैमरा है वो आपका जो टेलीफोटो लेंस वो एक्चुअली पोर्ट्रेट के लिए ही यूज हो रहा है। बट जो 11 और जो 12 वगैरह डिवाइसेस थे वहां पर दूसरा आपको जो लेंस था वो वाइड एंगल देखने को मिलता था, इस वजह से वहां पर जो पोर्ट्रेट होता है ना उसके अंदर आपको कोई भी शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, मतलब कि 1x से 2x शिफ्ट नहीं करता, बट इस वाले डिवाइस के अंदर 1x से वो 2x पे शिफ्ट कर जाता है। और बात करो इमेज क्वालिटी की तो मैं आपको इमेजेस शो कर देता हूं, इमेजेस डिसेंट आती है, बट मेरे को एक दिक्कत आई इस डिवाइस के अंदर कि ये लाइट को ना थोड़ा कम बैलेंस कर पाता है। अब पता नहीं सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसा हो चुका है या फिर पहले से ऐसा था, मतलब अगर आप इसको डायरेक्ट लाइट के सामने ले जाके फोटोज वगैरह क्लिक करते हो जस्ट लाइक कुछ फोटोज में आप देख सकते हो, तो ये बैकग्राउंड लाइट को इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता। हाँ सब्जेक्ट को काफी बढ़िया बैलेंस कर लेता है, बट जो बैकग्राउंड में लाइट है उनके कलर को थोड़ा सा मतलब कि डल कर देता है, इतना ज्यादा सैचुरेट करके नहीं दिखाता है। वैसे ओवरऑल जो डायनेमिक रेंज वगैरह है अभी भी डिवाइस की काफी बढ़िया है, जितने भी एंड्रॉइड डिवाइस मिलेंगे ना इस प्राइस सेगमेंट में उनसे तो काफी बेटर आपको इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। और जो आईफोन है ना वो फोटोज को इतना ज्यादा सैचुरेट नहीं करता, बिल्कुल क्लोज टू नेचुरल रखने की कोशिश करता है, इसी वजह से ज्यादातर बंदे जो विविड वाला फिल्टर है वो यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़े कलर्स आपको पॉप करते दिखाई देते हैं। बट ओवरऑल जो मतलब की इमेज क्वालिटी है ना काफी बढ़िया देखने को मिलती है दोनों के अंदर, मतलब की जो नॉर्मल लेंस है और जो पोर्ट्रेट है दोनों के अंदर। अब बात करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर वीडियो में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब की 1080p 30fps 60fps 4K में भी 30fps 60fps, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी बढ़िया है। कलर्स वगैरह को काफी बढ़िया बैलेंस करता है वीडियो के अंदर, वीडियो में मतलब इतनी ज्यादा सेकीनेस नहीं आती, क्योंकि जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो आईफोन का काफी बढ़िया वर्क करता है। तो अगर आप बिल्कुल मतलब कि लो एंड से मतलब कि व्लॉगिंग वगैरह या फिर यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास इतना मतलब कि बजट्स का थोड़ा इशू है, तो आप डेफिनेटली आईफोन 10 की तरफ जा सकते हो। आपका जो इनिशियल मतलब कि जितना भी चैनल को बूस्ट करने की वीडियोस चाहिए होंगी वो आप इस डिवाइस से बढ़िया तरीके से शूट कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं अभी ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन 11 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन अगर बेटर होगी ना तो जो आईफोन 10 है वो भी काफी बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो डेफिनेटली मैं वीडियो वगैरह के लिए इस डिवाइस को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर वीडियो वगैरह के लिए लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, अगर आपको बजट का थोड़ा सा इशू है तो। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा 7 MP का देखने को मिल जाता है और 7 MP के हिसाब से इसकी फोटोज है ना वो डिसेंट आती है, काफी मतलब की ठीक ठाक फोटोज आ जाती है, पोर्ट्रेट वगैरह में एज डिटेक्शन भी काफी बढ़िया कर लेता है और जो फेस के ऊपर क्लैरिटी है ना वो भी काफी बढ़िया मिलती है। इमेजेस को सॉफ्ट वगैरह तो बिल्कुल करता ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्यूटीफाई का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इस वजह से बिल्कुल डिटेल्ड फोटो देखने को मिलेगी। 7 MP के हिसाब से काफी बढ़िया फोटोज है, सारी सारी फोटोज मैं आपको साइड बाय साइड शो कर रहा हूँ। और फ्रंट कैमरा में भी वो लाइट वाला इशू देखने को मिलता है, थोड़े अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता है लाइट को। और बात करो फ्रंट में वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1080p 30fps का ऑप्शन मिलता है फ्रंट से, आप 1080p 60fps भी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे फ्रंट से, बट हाँ 1080p 30fps फ्रंट कैमरा से एक 4 साल पुराने डिवाइस के लिए काफी मतलब की ठीक चीज है। और फ्रंट में आपको EIS देखने को मिल जाता है, तो वीडियो की जो स्टेबिलाइजेशन है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, बस फ्रेम थोड़ा सा आपको क्रॉप देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर बात करो ना कैमरा की, तो डेफिनेटली कैमरा जो है वो बढ़िया है, आईफोन XR से आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस वगैरह देखने को मिल जाता है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। और जो ओवरऑल बिल्ड और डिजाइन है ना वो भी बेटर मिलता है आईफोन XR के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर आपको स्टेनलेस स्टील वगैरह की बॉडी मिलती है। तो अब एट लास्ट बात करते हैं कितनी प्राइस में ये मिल सकता है आपको। तो अगर आप इसको मतलब कि लोकल मतलब कि सेकेंड हैंड मार्केट से बाय करते हो आपके लोकल मार्केट वगैरह से, तो वो डिपेंड करता है भाई आप कितना उससे बार्गेन कर सकते हो। तो जस्ट लाइक मैंने ये बाय किया अराउंड 18-19,000 के आसपास में, ये मतलब मेरे फ्रेंड ने बाय किया था, ऑफकोर्स मैंने बाय नहीं किया, तो उन्होंने 18-19,000 के आसपास बाय किया, मतलब 19,000 आप मान सकते हो, जो कि बिल्कुल A1 कंडीशन के अंदर था, बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन है, मतलब कि फ्रेम के ऊपर स्क्रैच वगैरह नहीं थे। एक दो डिवाइसेज और दिखाए थे जिनमें स्क्रैचेस वगैरह थे, उनमें आपको थोड़ा बहुत 1,500 रुपये और कम मिल सकता है। और सेम डिवाइस मैंने मतलब कि कैसीफाई के ऊपर चेक किया था ऑफिशियल स्टोर पे, तो वहां पर ये आपको अराउंड इतना ही 17-18,000 के आसपास मिल जाएगा परफेक्ट कंडीशन के अंदर। और उन डिवाइसेज में भी आपको बैटरी रिप्लेस देखने को मिलती है, वो साफ बोलते हैं कि इसकी बैटरी रिप्लेस्ड है। और सेम प्राइस सेगमेंट है आपको XR देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से XR से ज्यादा बेटर होगा आईफोन 10 लेना, या फिर थोड़ा बहुत अगर आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो 25 तक ले जा सकते हो ना, तो 25 के अंदर आपको आईफोन 11 मिल जाएगा बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर, मतलब कि स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो।
सकते हो। और आईफोन 11 की भी कंप्लीट रिव्यू वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट रिव्यू सेकंड हैंड आईफोन एक्स का, जो कि मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। मैंने आपको कैमरा सैंपल्स वगैरह दिखा दिए, ओवरऑल जितनी भी चीजें हो सकती थी मैंने आपको बता दिया कि इन इन चीजों का आप ध्यान रखना जब भी आप बाय करने जाते हो। तो ये थे कंप्लीट रिव्यू आईफोन एक्स का सेकंड हैंड मार्केट से बाय करने के बाद। और अगर आप कोई और डिवाइस की वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर दें, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस डिवाइस के ऊपर वीडियो बनाने की। तो ये थे सिंपल सी शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।